स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ अपडेट के बारे में। सबसे पहले हम यहाँ पे इंडियन नेवी के प्रोजेक्ट 15 ब्रेवो क्लास डिस्ट्रॉयर के बारे में हम बात करने वाले हैं, जहाँ पे इस क्लास का जो सेकंड डिस्ट्रॉयर है मोरमुंगा, उसको अपने मेडन सी ट्रायल पे भेजा गया है। हम सभी अवेयर है KP-15B में चार जो डिस्ट्रॉयर है वो बनाए जा रहे हैं, जो कि विशाखापत्तनम क्लास के होंगे। इसमें जो पहला डिस्ट्रॉयर है वो ऑलरेडी कमीशन कर लिया गया है INS विशाखापत्तनम के रूप में, पेनेंट नंबर D66। यहाँ पर जो सेकंड डिस्ट्रॉयर है यानी कि मोरमुंगा, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट भी है गोवा में, जिसके ऊपर शिप को नाम दिया गया है, तो ये आपका सेकंड डिस्ट्रॉयर है विशाखापत्तनम क्लास का। फाइनली ये सी ट्रायल पे गया है और तकरीबन आज से एक साल बाद यानी कि 2022 के Q4 में इसको ऑफिशियली नेवी में कमीशन कर दिया जाएगा। इस क्लास में जो अगला डिस्ट्रॉयर होगा वो INS इंफाल होने वाला है। इसको ऑलरेडी 2019 में लॉन्च कर दिया गया था। जो कमीशनिंग है उसको लेकर उम्मीद ये है कि 2024 में कमीशन कर लिया जाएगा। और यहाँ पर जो अगला डिस्ट्रॉयर है P-15B का INS सूरत, वो 2025 में कमीशन होना है और प्रॉब्ली कुछ मंथ में ही वो लॉन्च भी होने वाला है। P-15B क्लास को लेकर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं डिटेल में, लिंक मैं यहाँ पर अटैच कर दूंगा। और यहाँ पे जो सभी शिप हैं वो भारत के MDL के द्वारा बनाए जा रहे हैं, जिसमें इंडिजिनस कंटेंट की जो मात्रा है वो 65% से ऊपर की है। सो अब यहाँ पे मोरमुंगा जो आपको पिक्चर में दिख रहा है या फिर वीडियो में दिख रहा है, उस पर रडार और सेंसर अभी नहीं है। प्राइमरली यहाँ पे इनिशियल सी ट्रायल है अरेबियन सी में कंडक्ट किए जा रहे हैं, जहाँ पे शिप का जो प्रोपल्शन यूनिट है उसको चेक किया जाएगा, प्रोपेलर्स कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं पावर के अकॉर्डिंग, और जो आपके शिप का जो मैन्यूवरिंग एस्पेक्ट है उन सबको यहाँ पे टेस्ट किया जाएगा। और प्रॉब्लम इंडक्शन से पहले रडार और सेंसर को इंटीग्रेट करके टेस्ट किया जाएगा और जो फाइनल पेंट है वो यहाँ पे आएगा। इसी में हम बात कर लेते हैं एक और स्टेटमेंट के बारे में, जो कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी है अभी हाल ही में, जहाँ पर उन्होंने ये बताया है कि फ्रांस यहाँ पे मान गया है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अंतर्गत एक लो बाईपास हाई थ्रस्ट प्रोड्यूस करने वाला इंजन बनाने के लिए। और पॉसिबली इस बारे में रक्षा राज्य मंत्री ने अभी कुछ दिनों पहले ही पार्लियामेंट में एक जो आंसर है वो किया था कि भारत का एक कंसोर्सियम जो कि DRDO, HAL और प्राइवेट प्लेयर को लेके फॉरेन पार्टनर की हेल्प से जेट इंजन बनाने को देख रहा है, और पॉसिबली यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो उसी का कंटिन्यूएशन है, जहाँ पे आप देख रहे हो कि फ्रांस ज्यादा ईगर है टेक्नोलॉजी को शेयर करने के लिए और भारत के साथ जो पार्टनरशिप है उसको बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे अगर कोई कंपनी बनती है SP मॉडल के अंतर्गत, तो संभव है जो टॉट होगा यानी कि जो भी आप टेक्नोलॉजी यहाँ पे डेवलप करोगे वो आपके नाम पे ही रहने वाला है, मतलब जो उसके राइट्स होंगे वो आपके ही रहेंगे। तो अभी ये सारी चीजें वर्ड्स में है, कोई कॉन्क्रीट डॉक्यूमेंटेशन वर्क सामने नहीं आया है। अगर यहाँ पे अनाउंसमेंट सामने आता है तो उसको लेकर हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन जहाँ तक बात जाती है फर्स्ट थॉट की, कि अगर कोई यहाँ पे इंजन बनता है तो क्या वो RR के ऑप्शन से अच्छा ऑप्शन होगा, तो यहाँ पे आप उस चीज के बारे में कुछ कह नहीं सकते हो, क्योंकि यहाँ पे रोल्स रॉयस है वो जेट इंजन काफी समय से बना रहे हैं, उनकी जो हॉट कोर की टेक्नोलॉजी है वो प्रूवन मानी जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पे जो सैफरन है वो भी कुछ ना कुछ नया करने जा रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका प्लान ये है कि आप 110 से ऊपर कैन का जो इंजन है वो डेवलप करो। तो होपफुली यहाँ पे अगर कोई पार्टनरशिप होती है सैफरन और भारत के बीच में इंजन को लेके, तो सफल ही निकले, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक ही शॉट है उसको MK में लगाने के लिए, क्योंकि जो टाइम स्पैन है वो काफी कम है। अगर इंजन को बनाने में 7 years भी लगते हैं तो टेक्निकली 2029-30 तक का जो टाइम है वो जाने वाला है, जिसका अर्थ ये हुआ कि जो आपके MK मार्क 2 होंगे वहीं पे आपको स्वदेशी इंजन दिखेगा, और पॉसिबली जो आपके मार्क 1 होंगे उसमें GE के ही इंजन रहने वाले हैं। तो यहाँ पे इस पूरे डील को लेके और भी क्लैरिटी सामने आती है तो हम बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।